ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। आज हम श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट शुरू करेंगे श्री रुद्र संहिता। तो इसका पहला अध्याय सती चरित्र। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमय शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है। अंतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए। विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में भी जानना चाहता हूँ। सदाशिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए? उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वे सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? पार्वती ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है? हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य और गोपनीय है। उनके रहस्य को वे ही समझते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र को बताता हूँ। पहले मेरे एक कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर मैं अपने निवास कैलाश पर्वत को चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने मुझे समझाया, परंतु मैंने हट नहीं छोड़ा। फिर रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। यह दक्ष सूता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिवजी की माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को, सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव शिवजी एवं अपनी पुत्री सती को इस विशाल यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्ट कारक होता है, लेकिन सती ने जाने का हट किया। शिव ने भावी को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव सर्वज्ञ है। सती पिता के घर चली गई। वहाँ यज्ञ में महादेव जी के लिए भाग न देख और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव तक पहुंचा तो वे बहुत कुपित हुए।
उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने शिव आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी। वही पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उसके दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती है। वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिसका नाम पार्वती था। उन्होंने कठोर तप द्वारा पूर्ण महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित्र। अब मैं आपको दूसरी कथा सुना रहा हूं, शिव पार्वती चरित्र। सुत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र व दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ। दक्ष ने नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, काम, नाश आदि की सभी कथाएं मुझे सविस्तार सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदाशिव के तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मरीच, अत्रि, पुलह, पुलसत्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और मैं मेरे मानस पुत्र कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वह दिन में छिन्न रहती, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य और निखर जाता। वह साय संध्या ही थी। संध्या निरंतर मंत्र का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मैंने मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफ़ेद मोतियों से चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंधि निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध
नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। प्रभु मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य काम मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के पांच बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्पमय वान समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्पवान नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। तीसरा अध्याय, कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा शाप देना। साथियों, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि शिव पुराण को सुनने मात्र से आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना कि आपको पढ़ने से होता है। मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक शब्द अच्छे से सुना रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से आपको इसका कथा को सुनना है। तीसरा अध्याय, कामदेव को ब्रह्मा जी के द्वारा श्राप देना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार के वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया, अंतः तुम्हारा पहला नाम मम्मथ होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदप होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने पांच बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने अपने पांच बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुभोषित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वही थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फल स्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा जी व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होकर होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिव जी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र संगीत किस प्रकार किया जा सकता है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु
मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा उसे पितृगणों की उत्पत्ति हुई, उससे 64,000 पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिसर्द पितर हुए। एक सर्व गुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि स्खलित हो गए एवं उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिवजी के वहां से अंतर्धान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होने पर काम ने वह बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि में जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का श्राप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करें, इस श्राप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएगी, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। चौथा अध्याय, काम रति विवाह। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझे इससे आगे की कथा भी बताइए। भगवान काम और रति का विवाह हुआ या नहीं? आपके श्राप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में भी मुझे सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के वहां से अंत ध्यान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, हे कामदेव, आपके ही समान गुणों वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्री सर्व गुण संपन्न है तथा हर तरीके से आपके लिए सुयोग्य है। हे महातेजस्वी मनोभव, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी का नाम रति रख दिया। तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह 16 संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी। उसका रूप लावण्य मुनियों को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रति पर पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन पर बैठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई। जिस प्रकार
श्री हरि को पाकर देवी लक्ष्मी उस समय आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव व रति भगवान शिव का श्राप भूल गए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले, हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभो, अब मुझे आप यह बताइए कि कामदेव और रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा कुमारी संध्या कहाँ गई? उनका विवाह कब और किससे हुआ? संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत करिए। पांचवा अध्याय, संध्या का चरित्र। सुत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनिया सती साध्वी हो जाती है। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिससे घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी। संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह सवय को पापिनी समझती थी। उसे देखकर सवय उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। तब उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा तथा निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। यह मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान सर्वग्र और या ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेजा था। नारद, चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलायसोचित गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुबोषित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का भी दर्शन किया। तब उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो कृपया मुझे बताइए। यह सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्य आत्मा जान पड़ते थे। संध्या ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझे तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूँ, अंतः मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या और दृढ़ संकल्प कर चुकी है। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे देवी,
जो सबसे महान और उत्कृष्ट है, सभी के परम आराध्य है, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं, तुम उन्हीं का भजन करो। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं साथियों, भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं, उन्हीं का ही हमें भजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो, उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान तथा शिव पूजा करो। प्रथम दो बार छठे समय में जल को आहार के रूप में लो, तीसरी बार छठा समय आने पर उपवास करो। देवी, इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचार्य का फल देने वाली तथा अभीष्ट मनोरथों को पूरा करने वाली होती है। अपने मन में शुभ उद्देश्य देकर शिवजी का मनन व चिंतन करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार संध्या की तपस्या की विधि बताकर और उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ वहां से अंत ध्यान हो गए। छठा अध्याय, संध्या की तपस्या। इस छठे अध्याय में जो ब्रह्मा की पुत्री संध्या है, उसके द्वारा जो तपस्या की गई, उसका हम यहाँ पर कथा सुनाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाप्रज्ञ नारद, तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए, तब संध्या आसन लगाकर कठोर तप शुरू करने लगी। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी। उसने अपना मन शिव भक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर तपस्या में मगन हो गई। तपस्या करते करते चार युग बीत गए, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका चिंतन संध्या द्वारा किया गया था। भगवान का मुख प्रसन्न था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। संध्या के मन में विचार आया कि वे महादेव की स्तुति कैसे करूं। इसी सोच में संध्या ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। संध्या से प्रसन्न मन से भगवान शिव की स्तुति की। संध्या बोली, हे निराकार परम ज्ञानी लोक श्रेष्ठा भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं, जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय, शुद्ध, माया रहित, प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त और लक्ष्मी और सुख देने वाला है, उन परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सत्व प्रधान, ध्यान योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है, उन प्रभु को मेरा प्रणाम। भगवान शिव आपका स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एवं कपूर के समान है। आपके हाथों में डमरू, रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके इस दिव्य, चिन्मय, सगुण, साकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल सभी आपके रूप हैं। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु रूप में संसार का पालन, आप ही रुद्र रूप धरकर संहार करते हैं, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर से सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है, वे सद ब्रह्मा तथा परम ब्रह्म है। आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई,
जिनके स्वरूप तथा गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। भला उन त्रिलोकी नाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ, मैं किस तरह आपको पूजूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो? हे प्रभु, बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, संध्या द्वारा कहे गए वचनों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, उनकी स्तुति ने उन्हें द्रवित कर दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अंत तुम्हारी हर इच्छा, जो भी इच्छा है तुम वर मांग सकते हो, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर संध्या खुशी से उन्हें बार बार प्रणाम करती हुई बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कोई वर देना चाहते हैं तो यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश, पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले जो भी प्राणी इस संसार में जन्म ले, वे जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। हे प्रभु, मेरे पति भी सहृदय और मित्र के समान हो और अधिक कामी ना हो। इसके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे वह पुरुषत्वहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, मुझे वरदान भी दीजिए कि मेरे समान विख्यात और परम तपस्विनी तीनों लोकों में और कोई ना हो। निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी संध्या, तथास्तु, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्राणियों के जीवन में अब चार अवस्थाएं होगी। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमायावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अर्थात यौवनावस्था में ही मनुष्य सकाम होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है, तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुरुषत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें प्रदान कर दिए हैं। अब मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बताता हूँ। तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। मुनिवर मेघातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़े जोड़ों से जल रही है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि से प्रकट होकर मेघातिथि की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके तुम शरीर त्यागोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं थी। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। चंद्रमा को श्राप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की। उसी समय मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके सामने कोई तपस्वी न है और न ही होगा। उन्हीं का ज्योतिष्टम नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें अग्नि देव प्रज्वलित हैं। तुम उसी आग में अपना शरीर डालकर पवित्र हो जाओ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस प्रकार उपदेश पाकर भगवान शिव
उपदेश देकर भगवान शिव वहां से अंत ध्यान हो गए। तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।